एक बार इंद्र ने एक बड़ा विशाल प्रसाद बनवाना आरंभ किया। इसमें पूरे 100 वर्ष तक उन्होंने विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं दी। विश्वकर्मा जी बहुत घबराए, वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धरकर इंद्र के पास पहुँचे और पूछने लगे कि देवेंद्र, मैं आपके अद्भुत भवन निर्माण की बात सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस भवन को कितने विश्वकर्मा मिलकर बना रहे हैं और ये कब तक तैयार हो जाएगा। इंद्र बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बालक ने कहा, देवेंद्र तुम बस इतने में ही घबरा गए। सृष्टि कितने ढंग की है, ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कितने हैं, उन ब्रह्मांडों में कितने इंद्र और विश्वकर्मा पड़े हैं ये कौन जान सका है। यदि कोई पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन भी सके तो भी विश्वकर्मा और इंद्र की संख्या तो नहीं गिनी जा सकती। जिस तरह जल में नौकाएं दिखती हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के लोमकूप रूपी सुनिर्मल जल में असंख्य ब्रह्मांड तैरते दिख पड़ते हैं। इस तरह इंद्र और उस बालक में संवाद चल ही रहा था कि वहाँ 200 गज लंबा चौड़ा चीटों का एक विशाल समुदाय दिख पड़ा। उन्हें देखते ही उस बालक को सहसा हंसी आ गई। इंद्र ने उससे हंसी का कारण पूछा। उसने कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यहाँ ये जो चीटे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब कभी पहले इंद्र थे, किंतु कर्मानुसार इन्हें अब चीटे की योनि प्राप्त हुई है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति ही ऐसी गहन है। जो आज देवलोक में है वह दूसरे ही क्षण कभी कीट वृक्ष या कोई भी योनि को प्राप्त हो सकता है। भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कृष्णा जिनधारी उज्ज्वल तिलक लगाए चटाई ओढ़े एक ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महात्मा वहाँ पहुँच गए। इंद्र ने उनकी उपचारों से पूजा की। तब उस बालक ने महात्मा से पूछा, महात्मन आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका निवास स्थल कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हैं, और आपने मस्तक पर चटाई क्यों रखी है, और आपके वक्ष स्थल पर ये लोम चक्र कैसा है। मुनि ने कहा, थोड़ी सी आयु के कारण मैंने कहीं घर नहीं बनाया और न ही विवाह किया और न कोई जीविका ही खोजी। मेरी छाती पर लोम चक्रों के कारण मुझे लोग लोमस कहा करते हैं, और वर्षा गर्मी से रक्षा के लिए मैंने अपने सिर पर चटाई रख छोड़ी है। मेरे वक्षस्थल के लोम मेरी आयु संख्या के प्रमाण हैं। एक इंद्र का पतन होने पर मेरा एक रोम गिर पड़ता है, यही मेरे उखड़े हुए रोमों का रहस्य भी है, और ब्रह्मा के द्विपरार्ध वर्षान पर मेरी मृत्यु कही जाती है। असंख्य ब्रह्मा मर गए और मरेंगे, ऐसी दशा में मैं पुत्र कलत्र या गृह लेकर क्या करूँगा। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि सर्व सुखद और दुर्लभ है, वह मोक्ष से भी बढ़कर है। यो कहकर लोमस जी अन्यत्र चले गए। बालक भी कहीं अंतर्धान हो गया। बेचारे इंद्र को तो अब होश ही ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि जिसकी इतनी दीर्घायु है वह तो एक घास की झोपड़ी भी नहीं बनाता, केवल चटाई से ही काम चला लेता है। फिर मुझे कितने दिन रहना है जो इस घर के चक्कर में पड़ा हूँ। बस उन्होंने विश्वकर्मा को एक लंबी रकम के साथ छुट्टी दे दी और खुद विरक्त होकर किसी वनस्थली की ओर चल पड़े। पीछे बृहस्पति जी ने उन्हें समझा बुझा कर पुनः राजकार्य में नियुक्त किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण की ये प्रेरक कथा हमें इस बात का एहसास कराती है कि यहाँ कोई भी स्थायी नहीं, कोई भी यहाँ समय को बांध कर नहीं रख सकता। कितने इंद्र आए और चले गए, लोमस ऋषि के छाती के रोम के बराबर भी नहीं कर सके। इसलिए मित्रों, चलते हुए समय में अभिमान न करके हमें इस चला चली की बेला में अच्छे विचार रखना चाहिए और घमंड को त्याग करके रखना चाहिए।